हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की आपकी क्लास में मात्राओं का ज्ञान पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हम पहले देखेंगे वे अक्षर जिन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण पर अपनी मात्राएं होती हैं। मतलब क्या हुआ कि स्वर के द्वारा हम सभी मात्राएं बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अ छोटा आ, यानी कि इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। ये अनार का होता है, ये छोटा होता है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं लगती है। इसी प्रकार से दूसरा स्वर है आ, आ बड़ा आ, जिसमें आ की एक मात्रा जुड़ी हुई है। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरह से बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगला वर्ण स्वर है ई, छोटा ई। ई छोटा ई में हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। इसके बाद है ऊ, ई बड़ी ई, ई बड़ी ई। इस बड़ी ई में हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद छोटा ऊ, उल्लू का, छोटा ऊ उल्लू। इसमें हम छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है ऊ, ऊन का, जिसमें हम ऊन, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे र, ऋषि की मात्रा का प्रयोग। ए, एड़ी की मात्रा का प्रयोग। ए, एनक की मात्रा का प्रयोग। ओ, ओखली की मात्रा। औ, औरत की मात्रा। अम, अंगूर की मात्रा। और आहा, दो बिंदी की मात्रा। तो ये जितने भी स्वर हैं, इन स्वरों से हम मात्राएं बनाते हैं। इसके बाद में है व्यंजन, जिन वर्णों पर हम मात्राओं को लगाते हैं वे व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों पर हम मात्राओं को क्या करते हैं, लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। जिन वर्णों पर हम मात्राओं को लगाने का काम करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। चलिए पहले एक बार हम व्यंजन पढ़ लेते हैं। क, कबूतर का। ख, खरगोश का। ग, गमले का। घ, घर का। अंगा का कुछ नहीं। च, चम्मच का। छ, छाते का। ज, जहाज का। झ, झंडे का। इया से कुछ नहीं। ट, टमाटर का। ठ, ठठेरे का। ड, डमरू का। ढ, ढक्कन का। ण, फणी का। त, तराजू का। थ, थर्मस का। द, दवात का। ध, धनुष का। न, नल का। प, पतंग का। फ, फल का। ब, बकरी का। भ, भालू का। म, मछली का। य, यज्ञ का। र, रस्सी का। ल, लड्डू का। व, वन का। श, शक्कर का। ष, षटकोण का। स, सांप का। ह, हाथी का। छ, छतरी का। त्र, त्रिशूल का। ज्ञ, ज्ञानी का। उसके अलावा श्र, ड और ढ भी व्यंजन माने गए हैं। तो इस तरह से हमने व्यंजन देखे, और अब हम देखते हैं इन व्यंजनों को जोड़कर बनने वाले दो मात्रा के शब्द, तीन मात्रा के शब्द, चार मात्रा के शब्द, और उसके बाद हम शुरू करेंगे बिना तो ये शब्द कैसे शब्द कहलाएंगे? ये शब्द कहलाएंगे बिना मात्रा वाले शब्द। कैसे शब्द हैं ये? ये हैं बिना मात्रा वाले शब्द। जैसे
मतलब बिना माँ के मात्रा वाले शब्द यानी जिसमें अ का उच्चारण हो रहा है लेकिन हम कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे म छोटा मा, न छोटा ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका उच्चारण तो हमने पढ़ लिया, हम इसको लिखेंगे कैसे वो भी दिखाते हैं हम आपको। पहले हम लिखेंगे म, फिर एक धन, फिर एक न। म धन न बराबर मन। इसी प्रकार से एक और शब्द देखते हैं, ज धन न बराबर जन। एक और शब्द देखते हैं हम, त धन न तन एक और शब्द देखते हैं, ध प्लस न धन। ठीक है, तो ये है हमारे दो अक्षर वाले शब्द। आपको इसी तरह से बाकी के शब्दों को अपनी कॉपी पे लिखना है। एक बार हमारे साथ सभी बच्चे प्रोनाउंशिएट करेंगे, म धन न मन, ज धन न जन, त धन न तन, ध धन न धन, ढ धन क ढक, ठ धन क ठक, श धन क शक, थ धन क थक, घ धन र घर, भ धन र भर, क धन र कर, च धन र चर, द धन स दस, बा धन स बस, ना धन स नस, का धन स कस। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों की कॉपियों में आप एक बार ऊपर इन शब्दों को लिख दें और बार बार पांच पांच बार इन शब्दों को बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, जिससे कि वह अभ्यास में आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं तीन सब मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले तीन वर्णों के शब्द। इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे, क प्लस म धन ल, क म ल कमल। एक और शब्द देखते हैं, म धन ह धन ल, महल। एक और शब्द देखिए, प धन ह धन ल, पहल। एक और शब्द देखते हैं, स धन फ धन ल, सफल। तो अभी आपसे इस तरह से बिना मात्रा वाले शब्द तीन वर्णों का योग देखा। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं तीन वर्णों का प्रयोग, जो बिना मात्रा के हैं, जिसे कि आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और लिख करके रिवीजन करना है। न ग र
नगर ठहर ठहर शहर शहर नहर नहर जलन जलन पवन पवन रमन रमन हवन हवन धड़क धड़क फड़क फड़क सटक सटक खटक खटक। तो ये थे हमारे तीन वर्णों का योग से बनने वाले बिना मात्रा के शब्द। इसके बाद हम देखेंगे चार वर्णों के शब्द जो कि बिना मात्रा के हैं। पहले हम इसको लिखना सीखेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले है अ प्लस च प्लस का प्लस न अ च का न अच कन। एक और शब्द देखते हैं ध प्लस ळ प्लस क प्लस न क्या बन गया ध ळ क न धड़कन। ठीक है, एक और शब्द देखते हैं ग प्लस र प्लस द प्लस न गर्दन। तो ये थे हमारे चार वर्णों का योग करके बनने वाले बिना मात्रा के शब्द। चलिए अब हम और कुछ नए शब्द पढ़ना से सीखते हैं। पहला है अ च क न अचकन। धड़कन धड़कन गर्दन गर्दन अड़चन अड़चन कसरत कसरत हरकत हरकत शरबत शरबत धनपत धनपत छल 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 काल काल कल कल माल 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 दल 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 नभचर नभचर जल चर जल चर थल चर थल चर अवसर अवसर। तो इस तरह से हमने बिना मात्रा के चार वर्णों के शब्द देखे। बच्चे सभी पहले इन्हीं शब्दों को अपनी कॉपी में जोड़ जोड़ करके लिखने का अभ्यास करेंगे और उसके बाद अभिभावक से निवेदन है कि इन्हीं शब्दों के अलावा भी कुछ नए शब्दों का प्रयोग करते हुए चार वर्णों के शब्दों को अभ्यास के रूप में बच्चों से करवाएं।
इसके बाद अब हम देखेंगे बड़ा आ याने कि आ की मात्रा का प्रयोग। आ की मात्रा कैसे बनाई जाती है? आ की मात्रा बनाने के लिए किसी भी शब्द, किसी भी वर्ण के पीछे इस तरह से एक बड़ा डंडा खींचते हैं। क्या करते हैं? शब्द वर्ण के पीछे एक बड़ा डंडा खींचा जाता है। जैसे हमने अ छोटा आ लिखा और उसके पीछे एक बड़ा डंडा लगा दिया तो वो बन गया बड़ा आ। क्या बन गया? बड़ा आ। तो इसी प्रकार से हम चलिए आ की मात्रा के वर्ण देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क प्लस आ की मात्रा प्लस क्या बन गया? का प्लस आ की मात्रा का। इसी प्रकार से ख प्लस आ की मात्रा क्या बन गया? खा। ग प्लस आ की मात्रा क्या बन गया? गा। घा प्लस आ की मात्रा क्या बन गया? घा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम सभी शब्दों पे आ की मात्रा का जोड़ बना सकते हैं। जैसे ज प्लस आ की मात्रा क्या बन गया? जा। न प्लस आ की मात्रा क्या बन गया? ना। तो इस तरह से हम किसी भी शब्द के साथ में एक डंडा जोड़ के आ की मात्रा बना सकते हैं। अब ये तो आ की मात्रा का प्रयोग हुआ, उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं इनसे बनने वाले शब्द कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं। तो जैसे आपने लिखा क प्लस आ की मात्रा प्लस म, तो क्या बन गया? का म। क्या बन गया? का म। ठीक है, इसी प्रकार से एक और नया शब्द देखते हैं, न प्लस आ की मात्रा प्लस म, क्या बन गया? नाम। एक और नया शब्द देखते हैं, रा प्लस आ की मात्रा प्लस म, नया शब्द क्या बन गया? राम। ठीक है, अब एक और नया शब्द हम पढ़ते हैं, क प्लस आ की मात्रा प्लस न, क्या बन गया? कान। तो इस तरह से हम जोड़ जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं और आ की मात्रा के शब्दों का हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आ की मात्रा से बनने वाले शब्द, देखें आपको शब्द समझ में आते हैं कि नहीं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला चित्र है हाथ का। हाथ में ह छोटा ह, ह में क्या लगी हुई है? आ की मात्रा, तो बन गया हाथ।
इसके बाद है दूसरा शब्द है द वा, द छुट द वा में आ की मात्रा वा, द वा। अगला एक और नया शब्द है ता में आ की मात्रा ता, ला में आ की मात्रा ला, ता ला। एक और नया शब्द है ग छुट ग, म छुट म, ला में आ की मात्रा ला, ग म ला। क्या बन गया? ग म ला। एक और शब्द देखते हैं हम, व छुट व, वा में आ की मात्रा वा, ना छुट न र वा, नर वानर। एक और शब्द है बा में आ की मात्रा बा, दा में आ की मात्रा दा, म छोटा म, बा दा म, बादाम। ट छोटा छ, ट मा में आ की मात्रा मा, ट छोटा ट, र छोटा र। क्या बन गया? ट मा टर। एक और नया शब्द ज छोटा ज, ल छोटा ल, जल। पा में आ की मात्रा पा, न छोटा न, जल पान। एक बार हम फिर से इन्हीं शब्दों का रिवीजन करेंगे। हा में आ की मात्रा हा, था छोटा था, हाथ। द छोटा द, वा में आ की मात्रा वा, दवा। ता छोटा ता, ता में आ की मात्रा ता, ला में आ की मात्रा ला, ताला। ग छोटा ग, मा छोटा मा, ला में आ की मात्रा ला, ग म ला। वा में आ की मात्रा वा, ना र वा, नर बा, दा म बा दाम। ट मा टर टमाटर, जल पान जल पान। तो दिए गए सभी शब्दों को आपको अपनी कॉपी में जोड़ जोड़ करके लिखने का अभ्यास करना है। किस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है? ह प्लस आ की मात्रा प्लस थ बराबर हाथ। अभिभावक बच्चों का इस प्रयास में सहयोग करेंगे। इसी प्रकार से बाकी के दिए गए शब्दों को भी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में बना करके जोड़ करके लिखना है। चलिए अब हम कुछ और आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को देखते हैं, जिसे कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। काम काम, दाम दाम, भार भार, काला काला, माला माला, माता माता, छाला छाला, गमला गमला, अचार अचार, घाघ रा घाघरा, बाजार बाजार, खराब खराब, अनार
अनार, हल वा, हलवा। अब चार शब्दों से बनने वाले शब्द देखिए, बर सात, बर सात। पाठ साला, पाठ साला। राजा राजा, राम राम। जो बिना मात्रा के शब्द होते हैं वो धीरे से जल्दी उच्चारण किए जाते हैं, और जो बड़ी मात्रा के शब्द होते हैं उनको जोर से उच्चारण किया जा रहा है, जिस तरह से हम कर रहे हैं। बच्चों को भी इसी तरह से अभ्यास करना चाहिए। ज वा हर, जवाहर। स मा चार, समाचार। अख बार, अखबार। ब राम दा, ब राम दा। तो ये थे हमारे कुछ आ की मात्रा वाले शब्द, और अब हम इसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, अभ्यास लेकर के आए हैं, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको अ की मात्रा को जो छूटी हुई जगह है वहाँ पर लिखना होगा, और अ की मात्रा को लगाएंगे तो हमारा शब्द बदल जाएगा, और शब्द बदल करके एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ब ल बल होता है, ब ल बल, बल यानी क्या होता है, ताकत। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब में आ की मात्रा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, बा और ल, तो क्या बन गया, बाल, बल से क्या बन गया, बाल। नम नम, नम याने गीला, और अगर हम न में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नाम। फिर भर भर, भर याने किसी चीज को भरना, और अगर हम भ रा में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, भरा। अम अम, और अगर हम आ में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आम। इसी प्रकार से ब में आ की मात्रा बा, क्योंकि बाब तो कोई शब्द नहीं होता है, है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ब में भी आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन गया, बाबा। इसी प्रकार से चा 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 चा, ना 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 ना, मा 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 मा। फिर चा में आ की मात्रा चा वल, चावल। बा द ल, बादल। अ नार, अनार। त मा त र, टमाटर। इसी प्रकार से अब इन चित्रों को देखिए,
और शब्द को पूरा करना है। ये क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई है, कार। तो यहां पर हमको एक शब्द क्या लिखना पड़ेगा, कार। तो हमारा क्या बन जाएगा, कार। ये क्या है, गधा। तो हमको यहाँ पर धा में आ की मात्रा लगाना है, तो बन गया गधा। ये क्या है, क्या है, तलवार। तलवार, तलवार। इसके बाद ये क्या है, गमला। गमला, गमला। ये क्या है, दवात। ये क्या है, झरना, झरना। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक आ की मात्रा वाला शब्द लगा देने से हमारा शब्द बन रहा है। तो यहाँ तक हमने आपको दिखाया कि आ की मात्रा का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, और उम्मीद है आपको आ की मात्रा का प्रयोग बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और सभी बच्चे इन अभ्यासों को अपने घर में अपने पक्की कॉपी में ज़रूर पूरा कर रहे होंगे। तो आप लोग घर पे पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। जिन बच्चों के पेरेंट्स ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आने पर आपको तुरंत पता चल जाए कि हमको अगले मात्रा का अभ्यास आ गया है। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए।